मॉर्निंग स्टूडेंट, एलकेजी में हमने प्रीवियस क्लास में आ से आहा और क कबूतर कैसे बनाना है उसके स्ट्रोक हम लोग ने देखे थे। आज हम पढ़ेंगे का के आगे ख और ग बनाना। ख खरगोश का बनाने के लिए आपको एक इस तरीके से इन्वर्टेड एल बनाना है और उसमें एक कर्व लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ थोड़ा दूर पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है और हाफ सर्कल आपको सी फॉर कैट टाइप का इसमें ज्वाइन कर देना। फिर से आप देखेंगे, पहले आपने इन्वर्टेड एल बनाया, ठीक है, और उसके बाद एक कर्व लाइन बना दिया। फिर उसके थोड़े दूर पे आपने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई है, उसके बाद सी फॉर कैट आपको उसमें ज्वाइन करना। दिस ये बन गया ख खरगोश का, ठीक है। एक बार फिर से आप देखेंगे, ये हमने इन्वर्टेड एल बनाया और इसमें एक कर्व लाइन बना दिया। थोड़े दूर पे हमने स्टैंडिंग लाइन बनाया है और सी फॉर कैट जैसे इंग्लिश में हमने सीख चुके हैं इसको ज्वाइन कर दिया। अब ग गमले का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जे फॉर जग आपने बनाया है, आपको उसमें जे फॉर जग बना देना है और इसके साथ में एक स्टैंडिंग लाइन आपको बना देनी है और ऊपर आपको इसकी रूफ बनानी है। फिर से यहाँ देखेंगे, जे फॉर जग आपने बनाना सीख चुके हैं, जे फॉर जग बनाया और एक स्टैंडिंग लाइन आपने इसके साथ में ज्वाइन कर दिया, ये ग गमले का बन गया। फिर से एक बार देखिए। ओके बच्चों, आपको होमवर्क में क ख और ग ये तीनों अक्षरों को आपको पांच पांच बार लिखना है। थैंक यू।